नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी को दिल्ली वापस लौटने में हुई देरी, गोड्डा में राहुल गांधी को भी 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। देवघर के हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आ गई, इसके कारण उन्हें दिल्ली वापस लौटने में देरी हुई। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी राज्य में अपने कार्यक्रम खत्म कर दिल्ली लौटने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इधर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को गोड्डा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मंजूरी मिलने के इंतजार में खड़ा रहना पड़ा। अजीत पवार ने विलासराव देशमुख का नाम सीएम के लिए किया प्रस्तावित। बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर जब अजीत पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने महायुति या अपने चाचा का नाम नहीं लिया बल्कि कांग्रेस के नेता विलासराव देशमुख का नाम लिया। दिव्यंगत नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की तारीफ की है। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने विलासराव देशमुख से ही गठबंधन की राजनीति सीखी थी। ममता बनर्जी ने टैबलेट घोटाले की जांच शुरू करवाई। विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टैबलेट घोटाले की जांच लेकर एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। सरकार ने टैबलेट या मोबाइल फोन खरीदने के लिए छात्रों के बैंक खातों में पैसे भेजे लेकिन कई छात्रों को ये पैसे नहीं मिले। इस मामले में कुल 93 केस दर्ज हुए हैं और अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। छात्रों के दबाव में यूपीपीएससी की परीक्षाओं में बदलाव, आयोग ने बदला अपना फैसला। उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा है तो जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि परीक्षाओं के आंदोलन से संबंधित उनकी ये मांग उचित थी। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद उसके प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन पर सवाल उठते हैं, उसके प्रश्न पत्र भी बार बार लीक हो जाते हैं, नतीजन उसे परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती है। मणिपुर की नदी में महिला और 2 बच्चों के शव तैरते मिले। राहत शिविर में रह रहा था मैतेई परिवार। मणिपुर के जिरीबाम से लापता 6 लोगों में से 3 के बारे में माना जा रहा है कि एक महिला और 2 बच्चों के शव शुक्रवार शाम को जीरी नदी में तैरते हुए पाए गए। असम पुलिस ने पुष्टि की है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है। ये मैतेई परिवार सोमवार से लापता था। सभा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी, जनधंग अपराधों के आरोपी चुनाव लड़ते और जीतते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर लोगों की राय यह है कि अपराध के आरोपी व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों पर चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। पूर्व विधायक सोलंकी इस वक्त महाराजगंज जेल में बंद है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अपराधों के आरोपी व्यक्ति बड़ी संख्या में विधानसभाओं और संसदों के लिए चुनाव लड़ते हैं और निर्वाचित हो जाते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में लगी भीषण आग, 10 बच्चों की हुई मौत। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में भीषण आग लग गई है। खिड़की तोड़कर बच्चों को निकाला जा रहा है, कई बच्चों के झुलसने की खबर है। इसके ऊपर 10 मासूमों की मौत की बात भी कही जा रही है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और खिड़की तोड़कर बच्चों को निकाला भी जा रहा है। अभी तक 37 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है लेकिन कई और अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। कार ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जहां तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो में टक्कर मार दी, इसके चलते 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इन 7 लोगों में दूल्हा दुल्हन भी शामिल थे जो कि शादी के बाद घर लौट रहे थे लेकिन सड़क हादसे के चलते उनके घर में मातम पसर गया। बाबा की बातों में आगे, दिशा पठानी के पिता लालच में गवाए 25 लाख। एक्ट्रेस दिशा पटानी के पिता और रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। उन्होंने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों के मुताबिक 5 लोगों के ग्रुप ने जगदीश सिंह पटानी को ऊंचा पद और आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी की है। दिल्ली में हवा हुई जहरीली, हर साल दोहराई जा रही है सरकार की नीतियां। दिल्ली की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली की हवा हर अगले वर्ष जिस हालत में जा रही है उसे साफ है कि यहाँ इस समस्या पर काबू पाने के सरकारी दावे सिर्फ हवा हवाई साबित हो रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि ये न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बनी हुई है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज स्कूप से जुड़े रहें। धन्यवाद।